पीके स्मार्ट स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को। हर साल 2 दिसंबर दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का इतिहास है। इस दिन की शुरुआत मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा सन 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको मैं दिसंबर माह के 2 इंपॉर्टेंट डे याद कराता हूँ। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे और 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस यानी BSF फाउंडेशन डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ वर्चुअली किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में शिल्पों और प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदायों की जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। 10 दिवसीय महोत्सव 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया। इसे मेज़बानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट पर की जा रही है। वर्चुअल कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र मध्य प्रदेश के आदिवासी नृत्य और संगीत के कारीगरों के कार्यस्थल और झलकियों का एक वर्चुअल टूर भी शामिल है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैप्टन भोपाल फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला जी, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में, चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। DRDO ने दिल्ली कैंट के किस अस्पताल में हाल ही में COVID-19 रोगियों के लिए ICU बेड बढ़ा दिए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल दिल्ली। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 29 नवंबर 2020 को घोषणा किया कि इसने दिल्ली कैंट के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। दिल्ली में COVID-19 के बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार की सलाह पर यह कदम उठाया गया है। चलिए आपको डिटेल्स में DRDO के बारे में बातें हैं। बात करें DRDO का गठन 1958 में हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO का मोटो है मलस मूलम विज्ञानम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 2020 को। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को वापस लौटेगा। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित राइगू एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक उतर गया। पिछले साल जून के अंत में जापान का स्पेसक्राफ्ट राइगू के पास पहुंचा था। तब से अब 20 किलोमीटर की ऊंचाई से राइगू की परिक्रमा कर रहा था। गत अक्टूबर में इसे राइगू की सतह पर उतरना था, लेकिन एस्ट्रॉयड से जुड़ी जानकारियों के कारण और लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशने के लिए इसे स्पेसक्राफ्ट को मिशन को थोड़ा टाल दिया गया था। चलिए आपको जापान के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर है नारुहितो
करेंसी है एन, नेशनल डे 11 फरवरी, हाइस्ट माउंटेन है माउंट फिजी। जापान के नेशनल गेम की बात करें तो शूमो, बर्ड है ग्रीन पेजेंट, फ्लावर है चेरी ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है डाइट, बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेटेरो। भारत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो हर साल रूस के स्पुतनिक फाइव कोविड वैक्सीन को 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। यह निर्णय रूस के हेटेरो और आरडीआईएफ सॉवरेन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के तहत लिया गया है। हेटेरो वर्ष 2021 की शुरुआत में बाद में स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू करेगी। हेटेरो के अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक बी मुरलीकृष्ण रेड्डी ने यह कहा कि कंपनी भारत में क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है उस वैक्सीन का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोविडशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने 28 नवंबर 2020 को यह सूचित किया कि ऐसे संकेत मिलने की सरकार जुलाई 2021 तक कोविडशील्ड वैक्सीन को 300 से 400 मिलियन खुराक खरीद सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविडशील्ड के लिए साझेदारी की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हॉरिसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य MSMEs निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 60%। वर्ष 2020 के होरासिस एशिया मीटिंग में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। हॉरिसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान MSMEs क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास में MSMEs के योगदान को 30% से 40% तक बनाना और इसका लक्ष्य MSME निर्यात को 48% से बढ़ाकर 60% तक बढ़ाना भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में खबरों में रहा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ZMRT यानी कि ज्वाइंट मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक वेधशाला है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है। अमेरिकी स्थित तकनीकी संगठन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी कि IEEE ने इस वेधशाला को माइलस्टोन का दर्जा दिया है। सर सीवी रमन और सर जेसी बोस के कार्यों के बाद भारत में माइलस्टोन का दर्जा पाने वाली यह तीसरी सुविधा है। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। बात करें महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले जी, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के आधार पर ऋणों की 8 श्रेणियों पर किस राशि तक ब्याज माफ करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ रुपए तक। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की 8 निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को MSMEs, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल्स, व्यक्तिगत और उपभोग जैसे 8 श्रेणियों के लिए ऋण में ब्याज को माफ़ करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का अम्बेसडर कौन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान जी। बात करें ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार
AR रहमान को भारत में BAFTA की ब्रेकथ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। वर्ष 2020 में BAFTA भारत में फिल्म, खेल अथवा टेलीविजन में काम करने वाली 5 असाधारण प्रतिभाओं की पहचान करेगा और उनका सहयोग करेगा। बात करें BAFTA के बारे में तो BAFTA की ब्रेकथ्रू पहल UK, चीन, भारत और अमेरिका के फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योग में आने वाली नई प्रतिभाओं की मदद करने के लिए अकेडमी के साल भर के कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो उन्हें अद्वितीय करियर विकास और सलाह के अवसर तक पहुंच प्रदान करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में BAFTA का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदीप कटारिया जी को। जूते के प्रमुख संगठन BAFTA जूता संगठन ने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। वह पहले भारतीय जिन्हें BAFTA में वैश्विक भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। वे एलेक्सिस नास्ट का पदभार संभालेंगे जिन्होंने लगभग 5 साल बाद पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कटारिया 2017 से BAFTA इंडिया के CEO हैं। कटारिया की लीडरशिप के अंतर्गत BAFTA इंडिया उम्मीद से भी कम समय के अंदर भारत में सबसे बड़े फुटवेयर रिटेलर में बदलने में कामयाब रहा है। ये आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संदीप कटारिया जी। बात करें BAFTA का हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। BAFTA की स्थापना 24 अगस्त 1894 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। US एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। लाहौर को पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग में 423 रेटिंग अंक मिले हैं। इस सूची में नई दिल्ली को 229 के PM रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 के PM रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सी गार्जियन ड्रोन जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश से प्राप्त किए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, USA। भारतीय नौसेना ने एक अमेरिकी रक्षा कंपनी से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन को 1 साल के लिए लीज पर लिया है। हिंद महासागर क्षेत्र पर निगरानी बढ़ाने के लिए अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित मानव रहित इन ड्रोन को लीज पर प्राप्त किया गया है। चलिए अब आपको USA के बारे में बताते हैं। बात करें USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर, नेशनल है 4 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल, बर्ड बॉल लीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको इमेज में मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलिए चलते हैं आज के कल के प्रीवियस डे यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। एग्रीटर्स मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में नई परिभाषा को शामिल किया गया है। 1 दिसंबर 2020 को चंदभागा बीच पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ। BSF का 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। सेनेगल को विश्व कप में जीत दिलाने वाले पापा बाउबा डिओप का निधन हो गया। मिजोरम राज्य ने अपनी विधानसभा के सदस्य और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी लाल दुहोमा को अपने राज्य से विधानसभा से हटा दिया है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। यूनाइटेड किंगडम गूगल और फेसबुक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है। ADB बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नई बुक जारी की है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1858 के बाद। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ एस्टेडेथ क्वेश्चन की तरफ। हर घर नल योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने भारतीय एक्सा और ICICI लोम्बार्ड के विलय को मंजूरी दी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IRDAI। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने 5 राज्यों में हनी FPO कार्यक्रम का शुभारंभ किया?
इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।